वाई माय हाथी सोच नहीं। 15 आई शेड्स लगाने के बाद बच्ची मिस बन चुकी है। घटाने और सेहत पाने का मशवरा दे रही है कि आज के बाद से मैं नहीं हंसूंगी। हंसी आ चुकी है पीपसी को, ज्यादा एंटरटेनमेंट पसंद नहीं है। मेरे को अंडे वाला बार कर, ये तो जोकर। Assalamualaikum guys, welcome back to the new episode of Teen Ground. I hope you guys doing well, doing great in your life. अभी मेरे लिए बहुत सुबह हो रही है, मतलब 11:30 बज रहे हैं, लाइक माय बहुत सुबह नॉर्मल डेज में। और आज एक बहुत ही खुशी का दिन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का ब्लॉग रिकॉर्ड किया जाए। और माय हाथ इज सो चलिंग, आई डोंट नो व्हाई चलिंग। और अभी हम नाश्ता करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि ऐसा क्या खुशी का दिन है आज। फिर टाइटल देखिए पता चल ही जाएगा यार, फिर मैं क्यों इतनी लेकिन खैर आगे बताएंगे। नाश्ता करेंगे फिर देखेंगे। नाश्ता मेरा भाई लेने गया है, आएगा फिर। तो भाई नाश्ता हमारा हो चुका है और आज हम लोग ने बिल्कुल लाहौरी नाश्ता किया, नान चने वाला। ओ सॉरी, नान चने वाला। मजाक में 3 बज गए, टाइम का पता ही नहीं चला। और अभी हम बस बहुत जल्दी अब उठेंगे, तैयार होंगे, हमें निकलना है असर से पहले, मतलब 4 बजे तक ना, है ना, मैक्सिमम 4 बजे तक हमने निकलना है इंशाल्लाह। आज मेरे दो कजन्स का निकाह है, तो इट्स अ गुड डे फॉर मी, क्योंकि एक तरफ से मैं लड़की वाली हूँ और एक तरफ से मैं लड़का वाला हूँ, तो हम इंजॉय करेंगे। इंजॉय जूस पी लेते हैं क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो रही है। कल मैं कोई तकरीबन फजर के बाद सोई हूँ और आज भी मैं सुबह, मेरे लिए तो सुबह ही 11 बजे मैं उठी हूँ। और फिर हम पक्का जाएंगे इससे पहले कि हमें डांट पड़ जाए या हम जलील हो जाए घर में, तो हम टाइम पर तैयार होंगे आज इंशाल्लाह। हाँ, तो डांट ही पड़ेगी जब आप टाइम पर तैयार नहीं होगा, तो मैं नहीं पड़ती है डांटे। हमारे घर में सबसे लेट लतीफ है ये वाली लड़की, वो वही लड़की है सबसे लेट लती, और उसको देख देख के मैं भी ऐसी हो गया हूँ। वरना मैं बहुत पंचुअल था, पंचुअल, लेकिन आज मैं फिर अपनी पंचुअलिटी साबित करूँगा। ओके सी, फाइनली आई एम रेडी। कोई तकरीबन आज मैं इतना लेट हुआ हूँ ना, आज मैं इतना ज़्यादा लेट हुआ, कोई तकरीबन 15 आई शेड्स लगाने के बाद कोई ये कलर बने हैं, तो जो मुझे समझ आया कि हाँ चलो यार गुड। और 4 दफ़ा मैंने हेयर स्टाइल खोलने के बाद दोबारा ये हेयर स्टाइल बनाया, लेकिन अभी भी इट्स नॉट गुड फ्रॉम यहाँ से। बट खैर यार, बस अब हम हो गए रेडी अच्छे तरीके से, प्यारा लग रहा हूँ ना। ओके, फुली रेडी। ऐसे तो हम थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन इससे पहले कि हम थोड़ा और लेट हो जाएं, जाते हैं जल्दी जल्दी से स्लीपर पहनते हैं, रेडी होते हैं और बस जाते हैं निकलते हैं। भाई हम आए हैं और हमने बहुत लेट हमने कर दिए, हमारी बच्ची का निकाह हो चुका है, हमारी बच्ची मिस बन चुकी है, बच्चे तो नहीं हर वो बड़े है। चाय का दौरा जो है वो शुरू हो चुका है, इट इज कंपल्सरी। अभी तक पंखे के सामने कभी आके तो नहीं करके तो नहीं करी, अपने बहुत में क्या हो चुके आप, बच्चे नहीं रहे है ना। आपने जितना वजन कम किया है ना, उससे आपका फर्ज बनता नहीं है कि आप किसी और को वजन घटाने और सेहत पाने का मशवरा दे रही है। सही है, सुतरियों का आधा किलो वजन कम किया है। हाँ, पूरा आधा किलो वजन कम किया, वेरी गुड। तुम भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे ना बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, पता है तुम्हें ना। बता यार, मैं शफीक अहमद रोटी खोलने से पहले ना रोटी खुल चुकी है, तो अब मेरा वो बोलना बनता नहीं शफीक अहमद, तुम्हारा बूथ आ रहा होगा पीछे होगा, तो मेरा ये बोलना बनता नहीं कि शफीक अहमद रोटी खोलते, क्योंकि रोटी ऑलरेडी खुली हुई है। तुम्हारे से खाऊंगी ना? नहीं नहीं, अपनी अपनी प्लेट ले, अल्लाह ऐसी बहन तो सबको दो, लेकिन ऐसी बहन क्यों बना दे यार। आई नीड अदन भाई चले प्लीज पकड़ाना प्यारे भाई। यही हॉट हो यहाँ, नहीं है भाई मुझे हॉट हो गए तो हॉट ही होंगे भाई इसी बात। हमें खाने में कंपनी देने के लिए ना बारिश हो चुकी है, अबे ठंडी हवाएं बंद हो गई हमें,
हमें कमरे देने के लिए बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी आना शुरू हो चुकी हैं गाइस। इसी के साथ हम आपको अपडेट देते रहेंगे ठंडी हवाओं का। यार सॉरी यार, इनके पीछे से चेन पेपे नहीं खत्म होती है, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा। ठंडी हवाओं के साथ साथ इंडियन ग्राउंड भाई, हमारे तरफ आई हुई स्प्राइट, स्प्राइट आई हुई। ओ पड़ोस से पेप्सी आ गई, पड़ोस से पेप्सी मंगवाई हमने, पड़ोस भी अपनी है। तुम्हारी हंसी बोल के ना पड़ोसी खबर। गाइस आज मेरी कजन ने, गाइस आज मेरी कजन ने, कोई याद है भाई साहब ये लोग, आज मेरी कजन ने मेरी हंसी का इतना मजाक उड़ाया कि आज के बाद से मैं नहीं हंसूंगी। सही नहीं आ रहा तुम्हारा। देखा, सुना सुना इसकी नहीं सुनी ना, आज मेरी कजन ने मेरी हंसी का इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया। क्या आप लोग मेरी बातें नहीं करते, 10 दफा मैं बोल रही हूँ। आज से बस मेरी कजन ने बोल दिया आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी, क्योंकि वो बहुत एंटरटेनिंग, उनको ज्यादा एंटरटेनमेंट पसंद नहीं है ना। वो नहीं होते बराबर पड़ोसी से मोहल्ले वाली अंडिया, अंडे वाला लगाती है। क्या हुआ क्या हुआ बेटा, मुझे भी बताओ क्या हुआ तुम्हारे घर में। फसी बोले फसिया क्या, तो सारा बड़ी खा ले गाइस। बस 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 पेप्सी पेप्सी आ चुकी है, पेप्सी। ये फुल अपने चाचू की शादी एंजॉय कर रहा है, फुल लड़का फुल। नींद आ रही है, आ जाओ। अच्छा आ जाओ, लोग बोलेंगे कैसी खाला है, कैसी खाला है। ये है शादी के बाद के हालात, जो आपके इतने खूबसूरत बाल बने थे उनके पीछे की, और ये उनके पीछे के एक्सटेंशन। बस ये हम तुम्हें दे रहे थे, तुम बारात में लगा के आना। दिखाओ दिखाओ बस ये, वाह ब्यूटीफुल, इतने इतने शाइनी हेयर से किसी के होते ही नहीं है। और पूरा फंक्शन ख़त्म होने के बाद द वन एंड ओनली माई फेवरेट केक इज हियर। घूम घूम वो जोकर नहीं था, जोकर फाइनली फंक्शन वंक्शन मुक गया। अब मुझे हो रही है वाकई में पेपर की टेंशन, कि अभी घर जाके नहीं बल्कि अभी भी मैं अपना इस्लामिक का पेपर बोलकर बैठी थी कि भैया क्या पढ़ना है हम नहीं। पेपर विद कजन्स की शादियाँ ये बहुत गंदा वाला टाइम टेबल होता है। तो जी फंक्शन वंक्शन मुका के हम घर पर आए, और जो मेरे हेयर स्टाइल ये वाले बच्चे हैं, इसका मतलब होता है कि लाइबा की एंड हो चुकी है, दी एंड हो चुका है। ऐसा मत देखो मैं एम्बैरस हूँ, घर में भी ब्लॉग नहीं बना सकती यार, उससे बढ़ के खुशी की बात ना होनी है। तो ये वाली बहुत खुशी वाली बात है। तो इस दफा भी हमारे से तो लड़का भी हमारा अपना था, लड़की भी हमारी घर की थी। बहुत बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। किसने बोला ना दूल्हा भी अपना था। हाँ दूल्हा भी खानदान था, दूल्हा भी खानदान। अब चले बिरयानी, तो बिरयानी अब आपने खा ली, थोड़े से इसमें इलायची भी डाल देते हैं। अब हमारे हैं पेपर भी फाइनल, मंडे को आज फ्राइडे है, हमें अपने फाइनल की प्रिपरेशन करनी है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, बस अभी जाएंगे रेंट। अभी तो खैर आए हुए हम 2-3 घंटे हो गए, और बातों में टाइम पता ही चला, मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग का एंड करना है, क्योंकि ब्लॉग का एंड ना होता ही नहीं है मेरा, वो उसकी ब्लॉग से ईद ब्लॉग अभी तक मेरे पास पड़ा था, मुझे लग रहा है ये वाला ब्लॉग पहले आ जाएगा, ईद ब्लॉग अभी तक नहीं आएंगे, ईद ब्लॉग हैं क्या चक्या चबर मारू खैर। तो बस अगर आपने अभी तक की पूरी वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंस्टाग्राम पर स्टे प्लस पे पब्लिक क्या मानना लगा।